राम राम प्यारे भाई, देखिए क्या बोलता है वो। ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इसको डिवाइड, इन तीनों नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर भी सेम छोड़े, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ऑप्शन ही है, जिससे फटाफट से आंसर आ जाता है, पर एक फॉर्मूला भी है उससे भी करेंगे। तो आप ऑप्शन से अगर चेक करेंगे फटाफट, जैसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 18, फिर 9 3 27, तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। 6 से चेक करेंगे, 6 3 18, और 6 7 6 6 36, नहीं 6 5 30, तो अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, 6 भी कैंसिल। 7 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे 8 से करेंगे, तो देखिए 8 2 16 रिमाइंडर 3 आ रहा है, 8 4 32 रिमाइंडर 3 आ रहा है, 8 6 40, 8 7 56 करेंगे तब भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 8 तो ऐसे आंसर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूले से कैसे करते हैं, देखिए हम करेंगे एस सी एफ लेंगे, किसका एस सी एफ, इन नंबर के डिफरेंस का एस सी एफ, 35 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा, ये आएगा 16, फिर 59 से 35 घटाएंगे कितना आएगा 4 24, फिर 59 से 19 घटाएंगे कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। बस इसका एस सी एफ ले लेना, वही आंसर होगा। कैसे लेंगे एस सी एफ, देखिए एस सी एफ लेने का सबसे इजी तरीका क्या है, डिफरेंस ले लो इन नंबरों का, ठीक है। मैंने डिफरेंस लिया कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मैं देखूंगा कि 8 से 16 में डिवीजन जाता है, जाता है, 24 में भी जाता है, 40 में भी जाता है, तो 80 इसका क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्यारे भाई।